नमस्ते एवरीवन, आप लोगों का फिर से एक बार स्वागत करता हूँ मेरे चैनल टेक शूटो में। फ्रेंड्स, रियलमी ने कल अपना रियलमी 9i को लॉन्च कर दिया है। यहाँ पर ही खत्म नहीं होता है रियलमी 9 सीरीज, अब वो अपने रियलमी 9 प्रो सीरीज को भी इंडिया में लाने वाले हैं। हाँ फ्रेंड्स, रियलमी 9 प्रो सीरीज में हमको रियलमी 9 प्रो एंड 9 प्रो प्लस देखने को मिल जाएगा। रियलमी 9 प्रो का स्पेसिफिकेशन लीक हो चुका है, 9 प्रो प्लस का ज्यादा नहीं हुआ है। मेरे पास जितनी भी जानकारी है मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ, तो वीडियो के एंड तक देखिए। तो फ्रेंड्स, वीडियो को बिना कोई देरी करते हुए चलिए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, पहले हम बात करेंगे इस फोन के डिस्प्ले के बारे में। इस फोन में आप लोगों को 6.6 इंचेस का एक फुल HD प्लस सुपर एमोलेड डिस्प्ले आप लोगों को मिल जाता है। इसका रिफ्रेश रेट है 120Hz। इसका पिक्सेल डेंसिटी है 399 PPI। इसका पीक ब्राइटनेस है 430 nits। इस फोन में आपको इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट मिल जाता है। तो फ्रेंड्स, अब आता है इस फोन के कैमरे पे। इस फोन के बैक साइड में आप लोगों को ट्रिपल कैमरा सेटअप मिल जाता है, जिसका प्राइमरी कैमरा है 64 मेगापिक्सल का। इसका एपर्चर है f1.8। इसके बाद आप लोगों को एक अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा मिल जाता है जो कि है 8 मेगापिक्सल का। इसका एपर्चर है f2.3। इसके साथ साथ आप लोगों को एक डेप्थ सेंसिंग कैमरा मिल जाता है जो कि है 2 मेगापिक्सल का। इसका एपर्चर है f2.4। बैक साइड में आप लोगों को LED फ्लैश मिल जाता है। ये कैमरा 4K 30fps तक वीडियो को शूट कर सकता है। अब बात करते हैं इस फोन के फ्रंट कैमरा के बारे में। इस फोन में आप लोगों को सेल्फी कैमरा मिल जाता है 16 मेगापिक्सल का। इसका एपर्चर है f2.5। ये कैमरा 180p 120fps तक वीडियो को शूट कर सकता है। ये फोन Android 12 के साथ आने वाला है। इस फोन में आप लोगों को ऑपरेटिंग सिस्टम मिल जाएगा Realme UI 3.0। अब आते हैं इस फोन के परफॉर्मेंस पे। इस फोन में आप लोगों को Qualcomm Snapdragon 695 5G जो कि एक 6 नैनोमीटर बेस्ड ऑक्टाकोर प्रोसेसर है। इसका 2 कोर 2.2 GHz पे क्लॉक किया गया है Kaio 660 Gold के साथ, और 6 कोर आप लोगों को मिल जाते हैं 1.7 GHz पे क्लॉक किया हुआ Kaio 660 सिल्वर का। इस फोन में आप लोगों को GPU मिलता है Adreno 690। ये फोन स्टीरियो स्पीकर्स के साथ आने वाला है। इस फोन में आप लोगों को 3.5mm जैक मिल जाएगा। अब आते हैं इस फोन के बैटरी पे। इस फोन में आप लोगों को 5000mAh की बैटरी मिल जाती है। ये फोन 33W तक फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करता है। इस फोन में हमको चार्जिंग पोर्ट मिलेगा USB Type-C 2.0। अब आते हैं इस फोन के RAM एंड स्टोरेज पे। ये फोन आप लोगों को 2 वेरिएंट में मिल जाएगा। एक वेरिएंट आप लोगों को मिलेगा 6GB RAM 128GB स्टोरेज के साथ, और दूसरा वेरिएंट आप लोगों को मिल जाएगा 8GB RAM 128GB स्टोरेज के साथ। इस फोन में आप लोगों को स्टोरेज टाइप मिल जाता है UFS 2.2 एंड RAM टाइप आप लोगों को मिल जाता है LPDDR4X। इस फोन में आप लोग एक्सपेंडेबल मेमोरी लगा सकते हैं। अब बात करते हैं Realme 9 Pro Plus के बारे में। इस फोन का कुछ भी ज्यादा स्पेसिफिकेशन सामने नहीं आया है, लेकिन बैक साइड में हमको 50 मेगापिक्सल का रियर कैमरा मिल जाएगा, एंड ये फोन 67W तक फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करेगा। इन दोनों फोनों में ज्यादा कुछ फर्क नहीं होगा, कुछ ही चेंजेस हमको देखने को मिल जाएंगे। ये दोनों ही फोन 5G को सपोर्ट करेंगे। अब आते हैं इन फोनों के लॉन्च डेट पे। ये दोनों ही फोन हमको फरवरी के महीने में देखने को मिल जाएंगे, एंड इनका प्राइस होने वाला है Realme 9 Pro का होगा अराउंड 18,000 से 19,000, एंड 9 Pro Plus का होगा अराउंड 20,000। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो यहीं तक था। आप लोगों का अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, और हाँ, मेरे चैनल में नए आए हो तो जरूर से सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं इस तरह के और भी नए वीडियोस लाता रहूंगा। चलिए, आप लोगों के साथ मिलता हूँ अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्ते।